तो हेलो यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ आज ही के दिन यानी 9 फेब को अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई अपग्रेडेड का, जो कि एक कॉमेडी रोमांस के जॉनर को बिलोंग करने वाली मूवी है, जिसे देखने के लिए आपको अपना लगभग 1 घंटे 44 मिनट का समय देना होगा। मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और मैंने इसका हिंदी डब्ड वर्जन देखा है। तो कैसी है ये मूवी और क्या ये आपका कीमती समय डिजर्व करती भी है या नहीं, तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब मैं दूंगा आगे इस वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना, शायद इस 2 मिनट की वीडियो से आपके कई घंटे बर्बाद होने से बच जाएं। तो फटाफट बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। तो आप कहानी देखते हैं ऐना की, जो कि आर्ट में अपना करियर बनाना चाह रही है और एक फेमस आर्ट गैलरी में इंटर्न का काम कर रही है। लेकिन ऐना के बॉस का लास्ट मिनट पर आया एक कॉल उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि ऐना की बॉस उसे एक इंटर्न से अपग्रेड करके अपना असिस्टेंट बना लेती है और लंदन में एक आर्ट एग्जीबिशन के लिए इन्वाइट करती है। जहां लंदन जाते हुए ऐना की फ्लाइट में मुलाकात होती है एक विल नाम के हैंडसम रिच लड़के से, जिसे ऐना हवाबाजी में बता जाती है कि वो लंदन में एक आर्ट गैलरी चलाती है। लेकिन बेचारी ऐना को क्या पता होता है कि एक दिन उसे इसी लड़के से प्यार हो जाएगा। अब ऐना अपनी नई जॉब के प्रेशर और साथ ही विल से बोले गए झूठ को कैसे हैंडल करती है, यही सब आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में, जिसका नाम है अपग्रेडेड। और बात करूं मैं अपनी ओपिनियन की, तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूं। अब मुझे ये काफ़ी एवरेज सी डिसेंट कॉमेडी ड्रामा रोमांस वाली मूवी लगी, जिसे देखकर मुझे 2021 की द हेटिंग गेम की याद आ गई, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं इस मूवी को आपके लिए हाईली रिकमेंड करूंगा। अब ये मूवी एक एवरेज स्टोरी वाली मूवी है, जिसमें आपको वही घिसा पिटा वर्क कॉमेडी रोमांस का एंगल देखने को मिलता है। अब मूवी में कॉमेडी बस इतनी सी है जो आपके चेहरे पर एक स्माइल बनाए रखेगी, लेकिन आपको कहीं पर खुलकर हंसने का मौका नहीं देगी। बाकी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस, मूवी की प्रोडक्शन वैल्यू काफी डिसेंट सी है। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो आईएमडीबी ने इसे 6.1 और रोटेन टोमेटो ने 86% की इनिशियल रेटिंग दी है। तो अगर आप एक डिसेंट सा टाइम पास ढूंढ रहे थे जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना ना पड़े, सो गो फॉर इट। और अगर आपको कॉमेडी रोमांस वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू अपग्रेडेड का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप एंजॉय।